नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं एसएफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नायगांव में रह रही नैना महंत की उसी पूर्व प्रेमी द्वारा हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। एक महीने से लापता नायगांव की 28 वर्षीय मेकअप आर्टिस्ट नैना महंत की उसी के प्रेमी द्वारा हत्या करने का खुलासा सामने आया है, जिसमें नायगांव पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि बीते 12 अगस्त से नायगांव सनटेक बिल्डिंग में रहने वाली नैना महंत का मोबाइल बंद आ रहा था, जिसके चलते उसकी बहन जया महंत ने नायगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला कि नैना का फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले मनोहर शुक्ला के साथ कुछ समय पहले अफेयर शुरू था। नैना से अफेयर के पहले से ही मनोहर शादीशुदा था, लेकिन उसने नैना से अपने शादीशुदा होने की बात छिपाए रखी और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब नैना को मनोहर के शादीशुदा होने की भनक लगी, तब मृतक नैना ने मनोहर से रिश्ता तोड़ दिया और उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि आरोपी मनोहर शुक्ला नैना पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा था, और जब मृतक का नैना ने शिकायत वापस नहीं ली तो उसी के गुस्से में मनोहर ने उसका कत्ल कर उसे अपने रास्ते से हटाने का सोचा और नैना की निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में नायगांव पुलिस ने बताया कि नायगांव पुलिस ने आरोपी मनोहर शुक्ला को मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मनोहर ने पहले नैना की पानी में डुबोकर हत्या की और फिर उसकी लाश को एक सूटकेस में भरकर गुजरात राज्य के ले जाकर वलसाड स्थित एक खाड़ी में फेंक दी, जो लाश बाद में वलसाड पुलिस ने बरामद की। सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आई है कि वलसाड पुलिस ने नैना की मौत को अज्ञात मृत्यु का मामला मानते हुए नैना की मृतदेह का अंतिम संस्कार तक कर दिया है। फिर एक बार बात करें नायगांव पुलिस की जांच की, तो बता दें नायगांव पुलिस ने बताया है कि जिस बिल्डिंग में नैना रह रही थी वहां की सीसीटीवी में आरोपी मनोहर शुक्ला सूटकेस लेकर जाते हुए नजर आया है। आरोपी मनोहर के साथ उसकी पत्नी के भी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देने की जानकारी सूत्रों से सामने आई है, जिसके बाद मनोहर की पत्नी की भी हत्या आरोपी बनाए जाने की बात सूत्रों के हवाले से कही जा रही है। फिलहाल नायगांव पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए इस बड़े क्राइम के हर पहलू पर से पर्दा उठाने की कोशिश में लगी है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन दबाइए। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।